प्यारे बच्चे, चलिए हम चलते हैं आज फिर से क्लास 12 एनसीईआरटी से मैथ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी की किताब से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चंस करते करते हम लोग 6 तक के क्वेश्चंस को कर लिए थे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग को करना होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा देखते हैं कि सबसे पहला बात करें तो एक्सरसाइज 5.6 में हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन किस तरह का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों? पीएफ का डिफरेंशिएशन। पीएफ बोले तो पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें 6 तक के क्वेश्चन को कर लिए थे, अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, 6 तो कर लिए थे हम लोग, 7 नंबर। प्यारे बच्चे, कुछ हम बनाने के लिए भी दिए हुए थे, बहुत सारे बच्चे सही बनाए हैं और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो बच्चे सही बना रहे हैं, आप उनकी कॉपी को देखें और कुछ हिंट्स के तौर पे आपको मिलेगा और फिर अपना आंसर को सही कर लीजिए। चलिए 7 नंबर से आगे बढ़ते हैं। x बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, साइन क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस टू टी, रूट अंडर कॉस टू टी। प्यारे बच्चों, x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू क्या दिया है, जरा इसको देख लेते हैं। y का वैल्यू दिया है cos qt, cos qt अपॉन रूट अंडर cos 2t, रूट अंडर cos 2t। प्यारे बच्चों, y का भी वैल्यू और x का भी वैल्यू दिया रहता है, तब हम इसी को ना बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म जब दिया हुआ है x और y, तब हमें सवाल बोल रहा है कि आप डीवाई बाई डी एक्स क्या करो, निकालो, डिफरेंशिएशन करो। तो आपको देखकर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म, पीएफ का क्वेश्चन है। अब आप पीएफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चे? इसको सॉल्यूशन करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डीवाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर नीचे उसी से डिवाइड किया जाता है जिसमें x और y का फंक्शन होता है। प्यारे बच्चे, तो x का फंक्शन किस में है? t में है। y का फंक्शन किस में है? t में है। इसलिए हम लोग ऊपर भी dt से और नीचे भी dt से डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, तो यहां बनेगा dy by dt बटा dx by dt। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको अलग अलग वैल्यू निकालना है, dy by dt निकाल लेना है, dx by dt निकालना। बच्चे, तो dy by dt का वैल्यू आप अलग निकाल लीजिए, यानी कि dy by dt का मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा से धैर्य रखकर dy by dt का मान निकालना होगा। प्यारे बच्चों, हम dy by dt निकालकर आपको दिखा देते हैं, दोनों एक ही तरह का है, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, dy by dt का निकाल के दिखाते हैं। आपको जो है dx by dt खुद निकालना है, समझ में आ रहा बात को? यानी कि जो dy by dt और dx by dt दोनों का वैल्यू अलग अलग निकालना होता है, तो हम ऊपर वाला का वैल्यू निकाल देते हैं, आपको खुद इसका वैल्यू निकालना है और फिर आपको डिवाइड करना है। ये सभी सारे जो है ना आपका काम है, और आंसर नहीं मिले या मिले वो तो बात की बात है, लेकिन आप चीजों को अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि dy by dt कैसे निकालते हैं। क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो हम dy by dt आपको फ्रेश निकाल के दिखाते हैं। तो याद है ना, y का वैल्यू cos qt बटा रूट cos t है। तो हम एक पार्ट को निकालकर आपको दिखा देते हैं और बाकी का काम, इसका आंसर तक पहुंचना आपका काम है। चलिए, तो dy by dt का मतलब ये हुआ, dy by dt का मतलब कि ये हुआ कि y का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे? तो y का वैल्यू है d, y का वैल्यू है cos qt बटा रूट cos 2t, ठीक है? और बटा में क्या, dt, यानी कि हमने क्या पुट करा, y के जगह पे जितना भी वैल्यू था उसको पुट कर लिया और नीचे तो dt रहे, क्या dt ही रहेगा। अब आप बताइए ये कौन से फार्मूला पे आएगा बच्चे? तो यहां u बटा v के फार्मूला पे आएगा। u बटा v का बोले तो ऊपर वाला जो भी चीजें दिख रही है, ये जो चीजें दिख रही है ये क्या है, तो ये u है
और नीचे वाला जो चीजें हैं ये दिख रहा है भी। तो U बटा भी का फार्मूला बच्चे याद होगा कि बट्टा में सबसे पहले करते हैं क्या, भी स्क्वायर। भी स्क्वायर का मतलब रूट अंडर कॉस टू टी का स्क्वायर। फिर भी को बाहर निकालो, तो हमने भी को बाहर निकाल लिया कॉस टू टी। फिर U का डिफ्रेंसिएशन, तो किसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस क्यू टी का। प्यारे बच्चे, कॉस क्यू टी का डिफ्रेंसिएशन बोल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां कॉस टी के पावर 3 है तो डी कॉस टी के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो डी कॉस टी बटा डी टी। देखिए यहां पे dx नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब जो फंक्शन t में है इसलिए बटा dt तक ही छोड़ देना है। यानी हम लोग वहां पे क्या पढ़ते थे चैनल में कि तब तक गुना करना है तब तक जब तक कि नीचे dx नहीं आ जाए, तो यहां पे चूंकि t में फंक्शन है इसलिए तब तक चैनल लगाएंगे जब तक कि t नहीं आ जाए। t आ गया, फिर लिखते क्या है माइनस, फिर क्या है u को बाहर निकालो इस बार, तो u को हम बाहर निकालिए cos qt, u बाहर निकल गया। किसका डिफरेंशिएशन, तो d cos root, सॉरी रूट में पूरा है, रूट cos 2t को किसके रिस्पेक्ट में, अब जब जरा समझ रहे हैं। तेरे बच्चे आप यहां पे देखिए रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, हम आपको याद करवाना होंगे कि रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आप याद कर लीजिए 1/2√x होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। उसी तरीके से प्यारे बच्चे रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है उसी के ना रिस्पेक्ट में करते हैं तभी ना ये फार्मूला पे आएगा। यानी रूट के अंदर क्या है पूरा कॉस टू टी, तो हम लिखेंगे कॉस टू टी, और नीचे वाला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कॉस टू टी बटा किसके रिस्पेक्ट में, अब तो कॉस के अंदर में टू टी है तो डी टू टी। अब एक और चीज घट रहा है तो आप समझिए कि ये सब बट्टा ही है क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो इनटू में करके लिख दिए नीचे टू टी है तो फिर ऊपर जाएगा तो बनेगा डी टू टी बट्टा, अब करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में। यानी कि इतना चीज आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2√x। चलिए तो अब आगे का काम करते हैं, आगे कैसे होगा जरा समझते हैं। जो बाहर है प्यारे बच्चों उसको तो हम लोग बाहर ही छोड़ देते हैं, रूट कॉस टू टी इंटू कॉस क्यू टी का कॉस टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो पावर सबसे पहले आ जाता है, तीन बाहर निकल गया, अब तीन में से पावर एक घट गया तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का होता है प्यारे बच्चे माइनस साइन एक्स, तो यहां हो जाएगा कॉस का माइनस साइन टी। टी में फंक्शन है तो टी कर दिए, अब यहां है माइनस तो माइनस, अब कॉस क्यू टी तो ऑलरेडी बाहर है तो ऑलरेडी कर देंगे इंटू, अब रूट एक्स का अभी हम दिखाए रूट एक्स का 1/2√x होता है तो यहां बनेगा क्या 1/2√cos 2t। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2√x होता है तो यहां रूट एक्स के जगह पे कॉस टू टी है तो 1/2√cos 2t बनेगा। अब यहां पे फिर से अगर बात करें तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है लेकिन इसके एंगल में टू टी है तो यहां बनेगा माइनस साइन, कॉस का हो गया माइनस साइन और टू टी इंटू, अब टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पता है कि टू क्या है कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, तो टू को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा डी टी बाय डी टी जिसका वैल्यू होता है एक, तो कुल मिलाकर यहां हो जाएगा टू। और प्यारे बच्चे बट्टा में अगर पूरा करें तो भी स्क्वायर तो होता ही होता है, तो भी स्क्वायर का मतलब आप समझिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर अगर कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचेगा कॉस टू टी बचेगा। अब अगर आप चीजों को देखिए तो कैसा नजर आ रहा है जरा और हम लोग काम करते हैं तो ही पता चलेगा, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखिए तो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे अगर बात करें तो यहां पे टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है ये वाला टू
और ये वाला टू कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पे क्या बच रहा है, फिर से अगर लिखे तो रूट कॉस टूटी इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी। अच्छा ये माइनस जो है हम पहले भी माइनस लगा सकते हैं, ये वाला जो माइनस है माइनस साइन टी, चूंकि इधर गुना है तो माइनस को पहले लिख दीजिए और यहां पे लिख दीजिए साइन टी, ठीक है। और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चे, प्लस होता है, तो यहां पे कर दिया प्लस। अब यहां पे बच रहा है कॉस क्यू टी इंटू इंटू साइन टू टी, साइन टू टी और बटा में क्या, इसके बटा में रूट कॉस टू टी, और इसके बटा में तो कुछ नहीं है, तो इसके बटा में वन मान सकते हैं। ये ऊपर वाला केस अभी चल रहा है, और पूरा के नीचे क्या है, कॉस टू टी है, ये चीजें होंगी। अच्छा अभी तक के अगर हम लोग बोले तो उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जिस तरह का आंसर दिया हुआ है, जरा एक बार आंसर को रिकॉल कर लेते हैं कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, ताकि आप ऐसा ही अगर dx by dt निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बिल्कुल हम लोग आगे का काम करते हैं, तो यहां पे हम लोग देखिए किस तरह का फॉर्म पहुंचते हैं। चलिए तो आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पे बन रहा है, जरा अच्छा से देखिए, कुछ कॉमन तो नहीं है ये तो बात पक्का है, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं ऊपर वन और रूट कॉस टूटी को ये बट्टा में, तो हम लोग का कॉस टूटी रहना ही वाला है, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वन और रूट कॉस टूटी को अगर हम फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, वन और रूट कॉस टूटी का एलसीएम हो जाएगा रूट कॉस टूटी, और वन से रूट कॉस टूटी में कटेगा, और रूट कॉस टूटी को इतना से गुना करेंगे तो आपको बनेगा माइनस रूट रूट दो ठो रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा कॉस टू टी इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, ये तो एक बार में कटेगा तो अब यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बचेगा प्यारे बच्चे कॉस क्यू टी इंटू साइन टू टी, ये चीजें बचेगा प्यारे बच्चे। यहां तक करने के बाद अब थोड़ा सा आपको रुकना है प्यारे बच्चे, जैसे अभी तक के हम करते करते dy by dt निकाले हैं, एलसीएम लिए हैं, उसको फिर यहां तक के काम जैसे किए हैं, आप प्लीज dx by dt में भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि जैसे हम dy by dt निकाल रहे हैं प्यारे बच्चे, वैसे ही आपको dx by dt में भी काम करते चले जाना है, यानी कि जैसे अभी तक के यहां पे बट्टा आया तो फिर इसको इसको एलसीएम लिए, वैसे ही हम, इसीलिए तो हम एक पार्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं, एक पार्ट दिखा रहे हैं, वैसे ही आपको काम करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब करेंगे ना तो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो चीज हम आपको बताते रहेंगे और आपको समझते रहना है। इस रूट को जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, रूट कॉस टू टी, और ये पहले से क्या है कॉस टू टी, ठीक है। अब यहां पे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस टू टी, पहले बच्चे जब आप dx by dt निकालेंगे तो यहां पे जो होगा आया हुआ वही चीज लिखेंगे, थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, जैसे कि अभी हम dy by dt निकाल रहे हैं, dy by dt में साइन टू टी है, तो साइन टू थीटा का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चे जैसे अभी हम यहां पे साइन टू टी आया है मेरा डीवाई बाई डी टी निकालते वक्त, आपको भी, आप भी जब डीएक्स बाई डी टी निकालिएगा तो आपको भी साइन टू टी मिलेगा, तो जहां पे भी साइन टू टी मिलेगा आपको क्या पुट कर लेना है, टू साइन टी इंटू कॉस टी, क्योंकि यहां पे टी है। तो जैसे अभी हम लोग यहां पे कर रहे हैं साइन टू टी का फॉर्मूला यहां पुट कर रहे हैं, तो आप वहां पे भी जब dx by dt निकालिएगा तो आप भी यही चीज पुट कीजिएगा, यानी यहां पे क्या बनेगा, तो कॉस क्यू टी का कॉस क्यू टी यहां लिख देंगे, लेकिन
हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ साइन टू टी के जगह पे बाकी सब उतार दीजिएगा वैसा ही, और फिर साइन टू टी का फॉर्मूला टू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। जैसे यहां पे कर रहे हैं वही वही काम वहां पे भी करना है, जहां इसके बाद हम फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं, इतना चीज करने के बाद साइन टू टी का फॉर्मूला लगा रहे हैं डीवाई बाई डी टी में। तो आपको भी क्या करना होगा, जब भी आप निकालेंगे dx by dt तो आपको sin 2t का फॉर्मूला पुट कर लेना है। पुट करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, एक और चीज करना है, जैसे हम इसमें कर रहे हैं वही वही काम उसमें भी करना है, लेकिन ध्यान पूर्वक करना है, अच्छे से करना है। उसके बाद पहले बच्चों करना क्या है, ऊपर में आप नीचे वाला को अब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अब नीचे आ गया है रूट कॉस टू टी और इंटू कॉस टू टी। हम लोग को डीवाई बाई डी टी निकालते समय नीचे ये आया है, आप जब डीएक्स बाई डी टी निकालेंगे ना उसके नीचे भी यही आएगा, ठीक है। और ऐसा करते करते हम लोग को लास्ट में जब डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डीवाई बाई डी टी निकाल रहे तो बट्टा में यह चीज बन रहे ना, जब आप डीएक्स बाई डी टी निकालेंगे उसके बट्टा में भी यही बचेगा। तो ये अभी हम लोग को छोड़ते चले जाना है, नीचे वैसा ही का वैसा ही रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। अब क्या करना है, जैसे यहां पे कॉमन कर रहे हैं वही वही काम वहां पे भी करना है। देखिए साइन टी दोनों तरफ है, कॉस टी और कॉस टी भी है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो यहां पे डबल कॉस है ना, कॉस टी इंटू कॉस टी, इसलिए हम दोनों तरफ साइन टी और कॉस टी को कॉमन कर रहे हैं दोनों में से। तो जैसे यहां पे हम लोग साइन टी और कॉस टी को कॉमन कर रहे हैं, आप वहां पे भी कॉमन कीजिएगा, ठीक है। कॉमन करने के बाद यहां क्या बचेगा, तो माइनस माइनस बचेगा कॉस टू टी इंटू थ्री, तो थ्री कॉस स्क्वायर था तो एक को कॉस बाहर हो गया ना, तो यहां क्या बचेगा कॉस टी, और साइन टी तो एक ही ठो था, वो साइन टी और कॉस टी दो ठो बाहर आ गया है, यहां पे साइन टी और कॉस टी दो को बाहर आ गया तो क्या बचेगा टू कॉस क्यू टी, ठीक है। अब हमको इसको लेकर टेंशन नहीं है, जो हम लोगों को कॉमन आ रहा है उस कॉमन को भी वहां पे बाहर निकालते रहिएगा, अब इसको भी हमें छूने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मेन जो मकसद है, अब यहां पे कॉस टू टी आ रहा है, प्यारे बच्चे कॉस टू टी का दो फार्मूला है, कॉस टू टी का दो फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं डीवाई बाई डी टी, तो डीवाई बाई डी टी निकालते समय जो पुट करना है फार्मूला वो कौन सा करना है, इसका दो ठो फार्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, और एक और फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। ध्यान दीजिएगा जरा, अब के बाद जो है ना मामला कुछ टफ होने वाला है, ध्यान रखिए कॉस टू टी का इलेवेंथ में दो ठो फार्मूला था, एक ऊपर वाला भी था और एक नीचे वाला भी था। तो अभी हम चूंकि डीवाई बाई डी टी निकाल रहे हैं तो डीवाई बाई डी टी में जो फार्मूला पुट करना होता है प्यारे बच्चे ऊपर वाला पुट करना होता है, लेकिन अगर आप डीएक्स बाई डी टी निकालिएगा तो उस टाइम जो कॉस टू टी बनेगा डीएक्स बाई डी टी के टाइम, तब आप कॉस टू टी के जगह पे आप ये चीज लगाइएगा। हालांकि जहां जहां साइन टू टी आएगा वहां पे टू साइन टी इंटू कॉस टी ही लगाना है, चाहे वो डीवाई बाई डी टी हो चाहे वो डीएक्स बाई डी टी हो। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाला बात है कि हम लोग चूंकि डीवाई बाई डी टी निकाल रहे हैं तो कॉस टू टी का दो ठो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कॉस टू टी का दो ठो फार्मूला, एक ऊपर वाला भी होता है एक नीचे वाला भी होता है, लेकिन डीवाई बाई डी टी में जो पुट किया जाता है वो टू कोट स्क्वायर टी माइनस वन, और एक आप जो डीएक्स बाई डी टी निकालिएगा वहां पे कॉस टू टी के जगह पे क्या लिखिएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। तो हम अभी कौन सा पुट करने वाले हैं फॉर्मूला, ऊपर वाला, तो सॉरी कॉट नहीं होता है यहां पे कॉस होता है, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, और यहां होता है माइनस टू साइन स्क्वायर टी। याद रखिएगा ये डीएक्स बाई डी टी के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है,
और हम चूंकि dy by dt कर रहे हैं तो cos 2t के जगह पे 2 cos square t minus 1 लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि नीचे वाला को हम बोले कि वैसे ही छोड़ दीजिएगा cos 2t into cos 2t, ये रूट में है ये बिना रूट में है, और ये चूंकि बाहर है तो sin t cos t वहां पे भी बाहर आ जाएगा। देखिए ये चीज बाहर हो गया। अब चलिए अब अंदर का बात करते हैं। तो माइनस अभी हम क्या बोले कि cos 2t के जगह पे हम पुट कर रहे हैं cos 2 cos square t माइनस 1, ठीक है। और फिर क्या है, ये 3 cos t है तो जो बाहर है उसको बाहर छोड़ देंगे, प्लस 2 cos qt, इतना चीज हो गया। अब जरा फिर से सॉल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या मिलेगा, तो यहां मिलेगा sin t इंटू cos t। अब देखिए जरा यहां पे इस माइनस का मतलब ये हुआ कि माइनस से गुना करना है, तो अगर माइनस से गुना करेंगे तो अंदर में क्या होगा, तो ये माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर t और माइनस माइनस प्लस 1, और इसके बाहर में गुना में क्या है 3 cos t, तो यहां लिख देंगे 3 cos t। इसको पहले अंदर गुना करा लिए हैं और 3 cos t का 3 cos t छोड़ दिए हैं और प्लस 2 cos q t, और नीचे का हम अभी फिलहाल ऐसे कर देते हैं। ऐसे का मतलब क्या, नीचे वाला को ऐसे ही लिखना है, मतलब ऐसे ये हो गया, मतलब आप ऐसे नहीं लिखिएगा, हम ये समझा रहे हैं कि ये नीचे वाला का हम खुद वही यहां पे रख दिए हैं, या मतलब इसका मतलब समझना है रूट कॉस टूटी इंटू कॉस टूटी। आपको नोटबुक में ऐसा नहीं साइन नहीं देना है, आपको पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा। चलिए हम ये बता रहे हैं कि नीचे वाला को अब कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, अब जो भी काम करना है फॉर्मूले को लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या मिलेगा, क्योंकि हम ये भी बोल रहे हैं कि इसको बाहर का बाहर छोड़िए, तो साइन टी कॉस टी ब्रैकेट, इसको जरा आप 3 cos t से 3 cos t से बारी बारी से गुना कीजिए, तो यहां हो जाएगा माइनस 3 टू जा 6 cos qt, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3 cos t प्लस 2 cos qt, और बटा वही जस का तस, वो नीचे वाला का नीचे वाला ही रहेगा, नीचे वाला का मीनिंग पता है ना, रूट अंडर कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। अब चला बाहर जैसे है वैसे रहेंगे, साइन टू साइन टी इंटू कॉस टी। अब जरा देखिए कॉस क्यू वाला एक यहां है और कॉस क्यू वाला एक यहां है, तो 6 और 2 कितना होता है, माइनस 4 होगा, क्योंकि माइनस में 6 है और ये प्लस में 2 है, तो ये जब होगा तो 3 cos t माइनस ये आएगा 4 cos qt। प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखिए 3 cos t का 3 cos t और ये एक जात का है तो क्या बन रहा है cos qt और यहां पे cos qt, तो यहां हो जाएगा क्या माइनस 4 cos qt और बट्टा में उतना ही, उतना ही का मतलब जितना है। अब प्यारे बच्चे जरा आप समझिएगा, यहां तक के हम लोग पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद जो करना है ना, अब ये जो चीज आ रहा है 3 cos t ये वाला आ गया माइनस 4 cos qt। अब जरा एक फार्मूला को जरा ध्यान से देखिएगा, cos 3 थीटा का फार्मूला एक होता है जिसको ट्रिपल एंगल बोलते हैं, sin 3 थीटा का भी फार्मूला होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 4 cos qt थीटा, सॉरी 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसका फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब हम इन चीजों को कर रहे होते हैं तो आपको cos 3 थीटा का फार्मूला यानी कि ट्रिपल एंगल फार्मूला में ये चीज याद रहना चाहिए, क्या होता है फार्मूला 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा।
आप यहां पे देखिए, अगर माइनस को कॉमन आगे कर लेते हैं तो ये मेरे काम का फार्मूला हो जाएगा, मतलब इतना के जगह पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या किए, इससे माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन टी कॉस टी इंटू इसको बदल देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 कॉस क्यू टी और ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस टी। यानी कि यहां पे जब माइनस कॉमन कर लिए तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। ऐसा क्यों किया माइनस, क्योंकि फार्मूला पे आ रहा था और बट्टा में तो जानते ही हैं कि क्या था, रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। पहले बच्चे आप यहां पे ये समझिए कि जैसे कॉस थ्री थीटा का फार्मूला होता है वैसे ही साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। जैसे हम डीवाई बाई डी टी निकाल रहे थे, अभी डीवाई बाई डी टी निकाल रहे थे, उस टाइम हमें ये चीज फार्मूला आया और हम माइनस को कॉमन करके तब ये फार्मूला लाए और फिर पुट किए। और प्यारे बच्चे जब आप डीएक्स बाई डी टी निकालिएगा तो ये ऑलरेडी ये ब्रैकेट में मेरा इतना बचा है ना, आपको इतना बचेगा डायरेक्टली, उसमें कॉमन उमन नहीं करना है, क्योंकि हम कॉमन इसलिए किए यहां पे ताकि फार्मूला पे बैठ जाए। और अब जब आप कीजिएगा तो ऑलरेडी फार्मूला पे पूरा पूरा यही आएगा, सिर्फ आपको साइन थ्री टी बैठा देना है। चूंकि हम यहां पे इसलिए किए क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन टी कॉस टी इंटू इसके जगह पे कॉस थ्री टी बटा और बाकी वही रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक के हम ये वाला जब निकाल लेंगे तब डीवाई बाई डी टी का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम बताए हैं डीवाई बाई डी टी वैसे ही काम करना है आपको डीएक्स बाई डी टी में भी। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस थ्री थीटा का फार्मूला और साइन थ्री थीटा का फार्मूला कहां पुट करना है। जब आप करेंगे तो ये ऑलरेडी आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा और इतना के जगह पे आप साइन थ्री थीटा रख दीजिएगा और आपको भी आएगा साइन टी कॉस टी डीएक्स बाई डी टी जब निकालिएगा और नीचे आएगा रूट अंडर कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको ध्यान देने का फार्मूला है साइन टू कॉस टू थीटा का फार्मूला दो गो होता है अभी बताएं। अब कौन कौन सा फार्मूला डीवाई बाई डी टी में पुट किया जाता है, कौन सा फार्मूला डीएक्स बाई डी टी में पुट किया जाता है, तो अभी हम जो बताए वो यहां तक के डीवाई बाई डी टी इतना आ गया। और जब आप करेंगे प्यारे बच्चे तो डीएक्स बाई डी टी का जो वैल्यू है ऐसा ही करते करते आपको जो आएगा, यानी कि डीवाई बाई डी टी मेरा ये आया है डीवाई बाई डी टी, जब आप निकालेंगे डीएक्स बाई डी टी तो क्या आएगा, आपको भी कॉमन करिएगा तो साइन टी इंटू कॉस टी आएगा, ठीक है। और इंटू जब यहां पे मेरा कॉस थ्री टी आया है ना, आपको माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, आपको माइनस नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला पे बन जाएगा जो भी फार्मूला लिखे थे, तो वहां पे आप पुट कर लीजिएगा साइन थ्री टी और बटा, बटा में भी वही आएगा जो डीवाई बाई डी टी में मेरा आया है, यानी कि रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। प्यारे बच्चे फिर आप क्या कीजिएगा, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है खुद से निकालना है डीएक्स बाई डी टी, चूंकि इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है तो हम एक चीज बता दिए हैं, फंक्शन उसी तरीके का है, सब कुछ उसी तरीके का है, सिर्फ साइन के जगह पे कॉस है, कॉस के जगह पे साइन है। तो चलिए अब हम लोग उसके बाद क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे नाउ डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स का मतलब कौन सी, डीवाई बाई डी टी मतलब ये, और नीचे लिख दीजिएगा ये, तो जब ऊपर ये रहेगा और नीचे ये रहेगा तो नीचे से नीचे वाला तो खत्म और साइन टी और कॉस टी खत्म, तो माइनस तो ऊपर रहेगा ना क्योंकि ये डीवाई बाई डी टी है, तो माइनस ऊपर बचेगा कॉस थ्री टी और नीचे बचेगा साइन थ्री टी। तो प्यारे बच्चे आप आंसर कर देंगे कॉस बाई साइन जो होता है वो कॉट थ्री टी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे लोगों के लिए।